कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों ने अपने दोस्तों को ऐसा जताया है कि उनका किसी लड़की के साथ चक्कर है? सॉरी बचपन में ये थोड़ा थोड़ा बच्चों में आई थिंक सब लोग करते थे बचपन में मुझे. अभी तो छुपाना पड़ता है आपको मुझे ऑब्वियसली क्या है क्या आई मीन उस दिन मैंने उससे पूछा कि फर्जी तेरा उसके साथ चला नो यार नो बोल के नो में हाँ ये तो पहली बार मैंने देखा है कभी कभी करना पड़ता है आपके साथ भी हुआ है सर हाँ वही सेम रिएक्शन मिलता है क्या रे क्या कर रहा था उसके साथ ये भी ऐसा भी होता है कि यार नो यार काम है काम हो यार काम छोड़ना यार समझा कर यार तू बहुत कमीना है तू सब जानता है How do you come to know? How do you come to know? यार ये क्या है? हमारे reputations ऐसे हों playboy के जो हमारे मतलब एक दो तीन हेलो हेलो एक दो तीन एक दो तीन नहीं मेरा reputation ऐसा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं मैं तो रोने होने लग जाता हूँ यार मतलब कि इनमें मैं बहुत आए दूध से धुले हुए हो दोनों करेक्ट तू रोज आकर मेरे शो में मेरे भाई तू रोज आकर मेरे शो में करेक्ट सही पहचाना इसने मुझे ये बेसिकली किसी लड़की का नाम ख़राब करना है और ये पहले के ज़माने में वो जो एक मोहल्ले का दादा जो हुआ करता था ना और एक लड़की पास होती थी और सबका ओए ये तुम्हारी भाभी है तो उसको लड़की को पता भी नहीं चलता था कि ये कौन है हाँ बाबू जी नमस्ते बाबू जी सलाम बाबू जी बाबू जी तो ये इनका भाई कौन है और वो लड़की ऐसी सहम जाती थी और फिर उस लड़की की शादी कहीं और हो जाती थी और ये भाई एकदम धोखा हो गया बॉस धोखा हो गया दस सेकेंड है आप दोनों के पास दस सेकेंड शुरू होते हैं अब जो भी जीतेगा ये पॉइंट वो खेलेगा मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का 2 फर्दी ने लगाया 50% पर अजय ने लगाया 45% पर आए देखें कौन खेलता है हमारे साथ मनी राउंड अजय जीत गए ये क्लोरमेन नॉकआउट राउंड फरदीन और अजय लेकिन खेलेंगे साथ साथ हमारे साथ ये इस तरफ अजय यहाँ शूट में बड़ा मजा आता था पर अफसोस टाइम की पाबंदी की वजह से हम सब कुछ आपको नहीं दिखा पाते थे आइए देखते हैं कुछ ऐसे हसीन बट अनसीन मोमेंट्स आपका सबका वेलकम है इस शो में जिसका नाम है 10 का दम तो आइए लेट्स प्ले 10 का दम जी हाँ तो इसको नीचे ले आएंगे तो मैं पढ़ लूंगा कितने प्रतिशत भारतीय बच्चों ने कहा क्या ये मैं पेज फाड़ सकता हूँ सर यहाँ पर सिर्फ चेक फाड़ने में दिक्कत होती है सर प्रश्न ये है कि मन नहीं हो रहा प्रश्न पूछने का भी कितने परसेंट ये किसने लिखा है गलत लिखा है आपकी नॉलेज बहुत बड़ी है पहली बार मैंने आपको देखा वीडियो थे ऐसी में उस टाइम से मुझे आपसे एकदम लव हो गया लव अभी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा बाजब आपकी बीवी अभी ज्यादा आकर्षक है या पहली थी आपके लिए
पहले थी। तो आप यहाँ पे बेशर्मों की तरह इसका कोई गलत मतलब नहीं निकालना, मैं मार डालूंगा। ये किस्सा हुआ था आमिर खान के साथ, जींस निकालते हैं और शलवार पहनते, वो भी नाड़े वाली, जैसे उन्होंने भांगड़ा का पहले स्टेप लिया दर नीचे। अब आप एक अनुमान लगाइए और फटफट से कीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो यार। अजय, आप जो पैसे जीते हैं वो कौन से चैरिटी में देंगे? मैं डेफिनेटली कुछ कॉजेज में बिलीव करता हूँ। The aged, definitely to a charity that supports the aged, the homeless, and being human for sure. You just called me a senior in the league. तो आए, खेलते हैं 10 करोड़ रुपयों की 10 का दम। Let's play. आपका पहला प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष सोचते हैं कि लड़की के साथ कहीं जाएं तो बाइक के बजाय कार से चलने में ज्यादा फायदा है? आपका तो बाइक पे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है क्योंकि आपकी तो शादी हो गई। बाइक भी बेचनी पड़ी। क्यों? बाइक तो आपके काम आई है, क्योंकि ये जब डेट कर रहे थे नताशा को तो ये तो कह रहा, वो नताशा को समझ में आ गया कि बाइक की वजह से शादी हुई, इसने शादी करने के बाद बाइक बेच दी। शादी नहीं करा। आई थिंक आपको ये बाइक पे जाना है, इफ यू प्रेफर बाइक्स और कार। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। आप ट्रैवल, आप अपने हिसाब से बताइए ना। मैं अपने हिसाब से, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली बोल रहा हूँ। आई मीन जनरल परसेप्शन के अगर इफ द गर्ल इज अ लिटिल स्लो एंड कंजर्वेटिव तो बाइक ज़्यादा बेहतर होती, क्योंकि चॉइस नहीं होता, शी होल्ड्स यू। और अगर कितना कमीना है तू, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। बट अगर अगर आप किसी ऐसे के साथ जा रहे हैं जो जो ओके है, देन यू प्रेफर अ कार। आई प्रेफर अ कार, आई लव ड्राइविंग। अगर कॉलेज के लड़के हो तो डेफिनेटली बाइक पे प्रेफर, बाइक्स डेफिनेटली बाइक पे प्रेफर करेंगे। और जब उम्र थोड़ी बड़ी आती है तो यू नीड मोर कंफर्ट, सो देन यू वांट टू यू प्रेफर कार्स। एक अनुमान लगाइए, व्हाट शुड वी गो ऑन बिटवीन 20 एंड 60। और ये साहब भी जरा वोट कीजिए प्लीज। नो, और 30, नो, 15 15 टू 54, व्हाट इज इट? 40% विंडो, इट्स ओके। ओके, आई थिंक 20 to 60। आप ऑडियंस पोल देखेंगे? हाँ देखेंगे। ऑडियंस पोल दिखा जाए प्लीज। 40 से लेके 60 पे ये फायदा किसके लिए होगा? एक तो फायदा होगा कि एक वो जो एक छिछोरापन चलता है ब्रेक मारने का, एक वो फायदा जब बाइक पे। हाँ नहीं, एक एक क्लोजनेस का होगा, एक गाड़ी में प्रिवेसी का होगा। नहीं, अब प्रिवेसी में जाओ तो गार्डन्स वगैरह से पुलिस वाले लठ मार मार के भगा देते हैं, आपने देखा होगा टीवी पे। लगता है सलमान ने बाइक की पीएचडी की है। नहीं, मैं देखता हूँ टीवी पे थोड़ा सा इसका, हाँ थोड़ा सा रिसर्च भी है इसके ऊपर। और फिर कुछ लड़की ऐसी बैठ जाती है बाइक पे वो हैंडल पीछे पकड़ के, तो उनको तो बाइक से उतार ही देना चाहिए। कम क्लोजर, नो, अच्छा लिसन, हेलो, गाड़ी में चलते हम लोग, आप कहाँ रहती जा। Bottom line is bike पे जाना बहुत ही romantic है, and I think we all love it. Yeah, we all love it. Yeah. वो हवा, वो मजा, to park on a sunset and talk. वो हवा तो पता नहीं अब pollution में. That's the way to do it. Lovely. Congratulations. Thank you. Thank you. आप लोग
जीत गए ये पहला राउंड और अब आप खेलेंगे 1,00,000 रुपयों के लिए। खिड़की है 30% की। प्रश्न अच्छा जी